यहाँ से दूर दूर तक, शहर और गांव में रात के 8 बजे जब कोई बच्चा रोता है तो माँ से कहती है, बेटे छप्पर फाड़ के देख, छप्पर फाड़ के देख, बस हंसता ही रह जाएगा और तेरा जनरल नॉलेज भी बढ़ जाएगा जो किसी दिन तेरे इंटरव्यू में काम आएगा। अरे ओ सांबा, तेरे को भेजा था ना छप्पर फाड़ने के लिए, तो बता कितने आदमी थे? सरदार 11। आसन 1 और आदमी 11, बहुत नाइंसाफी है, बहुत नाइंसाफी है ये। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? फिर पहला सवाल आया सरदार, जिसका जवाब देने के लिए 3 दोस्त भी थे। सवाल 1 और दोस्त 3, बहुत खूब, तब तो तुमने छप्पर फाड़ के जीता होगा। सरदार मैंने तो 3 दोस्त की भी मदद ली थी, फिर भी जवाब नहीं दे पाया। क्या कहा? खैर बता, सवाल क्या था? सवाल क्या था सरदार? सवाल था कि रामगढ़ वाले कौन सी चक्की का पिसा हुआ आटा खाते हैं? ए, प्लास्टिक की चक्की, बी पत्थर की चक्की, सी चांदी की चक्की, डी सोने की चक्की। तो सांभा, तूने किस पे मोहर लगवाई? किस पे मोहर लगवाई तूने? सरदार मामला माल का था, इसलिए मैंने सोने की चक्की के ऊपर मोहर लगवा दी। इसका मतलब तू खाली हाथ लौटाया? खाली हाथ क्या सोच कर आया था? सरदार खुश होगा, शाबाशी देगा। क्यों? तुमने हमारा नाम पूरा मिट्टी में मिला दिए, इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। सरदार सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार। छप्पड़ तो तुझसे फट नहीं सका, ले अब थप्पड़ खा। दोस्तों, पिछले एपिसोड से खेल का सिलसिला जारी रखते हुए मैं नरेंद्र वर्मा जी का स्वागत करता हूं हमारे इस खेल में। नरेंद्र जी आइए, स्वागत है आपका। स्वागत है। दोस्तों, ये दिल्ली से आए हैं, आपने अभी तक खेल में 2,01,000 रुपए जीते हैं। 25,001 रुपए जीतने के बाद आपने 1 रुपए में एक एयर कंडीशनर खरीदा था और शॉपिंग की थी छप्पर फाड़ के। के 1 रुपए जीतने के बाद फिर से आपने 1 रुपए में एक कंप्यूटर खरीदा था छप्पर हार के। नरेंद्र वर्मा जी, जब इस खेल में 12,01,000 रुपए जीत जाएंगे अगले दौर के अंदर, तो मैं दोबारा इनसे 1 रुपए वापस ले लूंगा और उस 1 रुपए के बदले में मैं इनको खरीदवाऊंगा एक नई चमचमाती कार। तो देखते हैं आज के खेल में नरेंद्र जी की कहानी को किस मोड़ तक ले जाते हैं और कौन सी मंजिल नरेंद्र जी यहां पर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग खेल अपना छप्पर फाड़ के। नरेंद्र जी, आप यहां पर 2 दोस्त इस्तेमाल कर चुके हैं, खेल के सारे कायदे आपको पता है, खेल के फायदे भी आपको पता है। आपके 2 दोस्त हैं, एक सही या गलत, एक टोटल सही है। ठीक है नरेंद्र जी, आप यहां पर 2,01,000 रुपए जीत चुके हैं, खेल के तीसरे दौर में आ गए हैं। तीसरा दौर शुरू होता है 3,01,000 से, खत्म होता है 12,01,000 पर। 12,01,000 के बाद आपको पता है कि क्या होगा? कार, सरकार। ठीक है, जैसे ही तीसरा दौर क्रॉस करेंगे आप हमारे चौथे दौर में आ जाएंगे, तो चौथे दौर की रकम जो है वो सीधा डबल हो जाएगी। 12,00,000 से आप सीधा पहुंचेंगे 25,01,000 पर। जब 25,01,000 पर आप आ जाएंगे तो आपकी कट ऑफ लाइन जो है वो 12,01,000 हो जाएगी, यानी कि 12,00,000 आप जो जीत चुके ही होंगे और आप कार भी जीत चुके ही होंगे जो आपने सामान खरीदा होगा, तो वो उतना कम से कम यहां से आप लेकर जाएंगे जी। खेल की तीसरी खासियत यह है कि 16 सवाल के सही जवाब के लिए आपको मिलेंगे सीधा 2,01,000 रुपए। और उसके बाद चौथी खासियत यह
कि हर सवाल के सही जवाब के लिए आपको 1 करोड़ 1 रुपए मिलते ही चले जाएंगे, मिलते ही चले जाएंगे। अगर आपकी बुद्धिमत्ता की कोई सीमा नहीं तो आपकी जीत की भी कोई लिमिट नहीं। 2 करोड़ 1 रुपए तक की रकम आपको यहां पर मिलेगी और उसकी बाद की रकम आपको बीमे के रूप में मिलेगी, आप जानते हैं। तो इससे पहले कि 3 लाख 1 रुपए के लिए मैं आपसे पहला सवाल पूछूं, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।